नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं गोचर के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि गोचर कैसे देखते हैं कुंडली के अंदर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय होता है। कुंडली देखने के साथ साथ अगर गोचर भी ठीक से देख लिया जाए तो रिजल्ट बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और बहुत कुछ रिजल्ट या नहीं कह सकते हैं कि हमें 80% से ऊपर या 90% से ऊपर हमारी प्रेडिक्शंस सही जाती हैं अगर हम गोचर भी ठीक देख लें। गोचर की महत्ता भी मैंने आपको बताई थी कि गोचर की महत्ता कितनी होती है, गोचर में एक्सिस देखना कितना जरूरी होता है, वो सब मैंने आपको बताया था कि गोचर में अगर आपका लग्नेश का और लाभेश का, लग्नेश और लाभेश, लाभेश मीन्स जो आपकी आय भाव का स्वामी है उसका गोचर अगर 6-8 का एक्सिस चल रहा है तो आप पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपका 6-8 का गोचर, 6-8 का एक्सिस चल रहा है। तो गोचर का इंतजार कीजिए, जब गोचर में एक्सिस 5-9 का या 4-10 का या 3-11 का आ जाए लाभेश का और धनेश का, तब आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो डेली लाइफ में बहुत जरूरी होती है। और आज 2 वीडियो मेरी इसमें हो चुकी है, उन दोनों वीडियो को आप देखिएगा। उसके बाद से थर्ड मैं इस पार्ट में मैं आगे से गोचर आपको पढ़ाऊंगा। गोचर में हो सकता है कि 2 वीडियो भी और हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज थर्ड पार्ट में आपको बताता हूँ। तो उसको बताने से पहले मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि किस तरीके से। देखिए, इसके अंदर मैं आपको इसको मैं फुल साइज पे कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे और दिक्कत नहीं हो। यहां से फुल साइज पे मैंने इसे कर लिया है। कुंडली में सबसे पहले क्या करें, जब भी कोई कुंडली आए, मतलब जो मैंने पीछे स्टेप्स बताए हैं वो स्टेप्स तो देखने हैं। उसके बाद कुंडली में ये देखना है, कोई कहता है कि भाई विवाह होगा या कब होगा, कैसे विवाह कब होगा, ये पूछना चाहता है कोई इंसान, तो सबसे पहले उसकी देखें दशा, कि दशा में दशा कहती है या नहीं कहती है। क्योंकि दशा अगर विवाह के लिए मना करती है तो विवाह नहीं हो सकता, और दशा अगर विवाह के लिए कहती है तो विवाह के संजोग बनते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग निकाल सकते हैं कि विवाह होने की उम्मीद कब है या किस तारीख के आसपास या किस महीने में विवाह हो सकता है। वो मैं आपको निकालना बताऊंगा, क्योंकि वो भाव सिद्धि काल के नाम से पूरा चैप्टर है। फलदीपिका में भी वो चैप्टर दिया हुआ है, 16वें अध्याय में शायद है भाव सिद्धि काल, तो वो भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी मैं आपको बताऊंगा भाव सिद्धि काल कैसे निकालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट घटनाओं का समय कैसे निकालते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट विषय है। लेकिन सबसे पहले मतलब हमारा उसमें कहना यह है कि जब भी कभी देखने जाएं कि विवाह कब होगा तो सबसे पहले दशा चेक करें कि दशा है अवेलेबल या नहीं है। नंबर 2, फिर चेक करें कि भाव सिद्धि काल के हिसाब से क्या ये काम होने की संभावना है। भाव सिद्धि काल एक स्पेशल गोचर होता है, स्पेशल ट्रांजिट होता है, उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या ये सब चीजें बिल्कुल होने की संभावना है, सब ठीक। जब भाव सिद्धि काल भी कहता है कि हाँ इस महीने के आसपास विवाह हो सकता है, तब हम देखते हैं कि दशा और अंतर दशा जो हमारी है उसका ट्रांजिट देखते हैं कि लग्न से ट्रांजिट कैसा है उसका। दशा अंतर दशा का मैंने जैसे बताया आपको कि महादशानाथ या अंतर दशानाथ अगर लग्न से स्वय राशि में, उच्च राशि में या मित्र राशि में गोचर करे तो वो उस भाव की वृद्धि करता है। जब हम लगन से गोचर देख लेते हैं, क्योंकि लगन से गोचर देखने का मतलब है कि रिजल्ट आपको मिल रहा है, लगन है योर सेल्फ, आप खुद जो है वो लगन है, तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है इसलिए उसको लगन से देख रहे हैं। चंद्रमा से, फिर चंद्रमा से गोचर भी देखना जरूरी है। चंद्रमा से गोचर क्यों, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। अब मान लिया कि किसी चीज का हमने देखा कि हमारा ट्रांसफर होगा, हमारा प्रमोशन होगा या नहीं, और प्रमोशन होगा तो रिजल्ट आ गया प्रमोशन होगा, लेकिन चंद्रमा से गोचर ठीक नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रमोशन तो होगा लेकिन ट्रांसफर भी हो सकता है, कहीं दूर हो जाए। मतलब उस चीज की खुशी को हम इतना महसूस ना कर पाए जो खुशी हमें हुई,
उस चीज को हम इतना महसूस ना कर पाए, ऐसा पॉसिबल है अगर चंद्रमा से गोचर ठीक नहीं है तो। चंद्रमा से गोचर भी अगर ठीक हो तो फिर आपको संपूर्ण खुशी मिलती है, संपूर्ण प्रसन्नता मिलती है। तो सबसे पहले किसी भी घटना के लिए, चाहे वो विवाह के लिए हो या संतान के लिए हो, पहले ये चेक करें कि उस चीज की दशा चल रही है या नहीं चल रही है। दशा चलने के बाद ये चेक कर लें कि दशा और अंतर दशा का जो गोचर है वो लगन से कैसा है, अच्छे भावों में है या बुरे भावों में है। जैसे मैंने बताया आपको, अगर स्वय राशि में, मित्र राशि में या उच्च राशि में गोचर करे लगन से दशानाथ या अंतर दशानाथ, तो अच्छे रिजल्ट देता है, भाव की वृद्धि करता है। उसके बाद भाव सिद्धि काल का फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भाव सिद्धि काल में आपको आगे से समझाऊंगा ठीक से, उसके हिसाब से भी हम लोग उसमें देखते हैं। अब भाव सिद्धि काल में कैसे करते हैं, देखिए भाव सिद्धि काल में सबसे पहले हम जिस भाव की बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि हम सप्तम भाव की बात कर रहे हैं कि हमें विवाह कब होना है, वो हम देखना चाहते हैं, तो विवाह करवाने वाला भाव कौन सा है, वो है सप्तम। और किसका होना है, वो आपका होना है, लगन लगन वाला होना है लगन से। तो कहने का मतलब ये है, तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक लग्नेश और एक सप्तमेश। इन दो पैराम फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना है, इन्हीं को किसी घुमाना है, इन्हीं को गोचर देखना है, इन्हीं को सब कुछ करना है। वो कैसे करना है मैं बताता हूं। सबसे पहले लग्नेश जिस राशि में है, लग्नेश को फिक्स कर लीजिए, यानी लग्नेश जिस राशि में है उस राशि को लगन माना लीजिए। अगर लग्नेश आपका 5 नंबर राशि में है, 6 नंबर राशि में है, तो उसको लगन बना लीजिए। उसको लगन बनाने के बाद मान लिया लग्नेश आपका 5 नंबर राशि में है, तो जब भी भावेश, भावेश मीन्स सप्तमेश, क्योंकि हम शादी का देख रहे हैं, विवाह के बारे में देख रहे हैं, तो जब भी भावेश गोचर में या तो सिंह राशि पाए जहां लग्नेश बैठा है, या उसके त्रिकोण में आए। त्रिकोण कैसा हुआ, देखिए त्रिकोण 4 त्रिकोण होते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था। पहला त्रिकोण 1 5 9, दूसरा त्रिकोण 2 6 10, तीसरा त्रिकोण 3 7 11, और चौथा त्रिकोण 4 8 12। यानी अगर कुंडली बनाई जाए तो पहला पांचवा और नवा भाव एक त्रिकोण हुआ, दूसरा छठा और दसवा भाव दूसरा त्रिकोण हुआ, तीसरा सातवां और ग्यारहवा भाव तीसरा त्रिकोण हुआ, और इसी प्रकार से चौथा आठवां और बारहवा भाव चौथा त्रिकोण हुआ। तो त्रिकोण में देखना है, तो अब हम त्रिकोण में अगर देखने की कोशिश करेंगे, हमने कहा कि लग्नेश जिस राशि में है उसको फिक्स कर लीजिए, उसको लगन बना लीजिए, और फिर देखिए कि सप्तमेश उस राशि में या उसके त्रिकोण में, उस राशि में यानी 5 नंबर राशि में या उसके त्रिकोण में यानी कि 1 और 9 नंबर राशि में जब आएगा तब आपका विवाह संभव है। एक तरीका यह है निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि आप सप्तमेश को फिक्स कर लीजिए, जिस भाव की आप बात कर रहे हैं, भावेश की बात कर रहे हैं, उसको फिक्स कर लीजिए। आपने सप्तमेश को फिक्स कर दिया, सप्तमेश को देखा आपने किस राशि में है, मान लिया आपने सप्तमेश को देखा कि वो कन्या राशि में, तो सप्तमेश को आपने फिक्स कर दिया, तो अब कन्या राशि का लगन बना दिया आपने। अब देखिए लग्नेश को, लग्नेश को घुमाइए, चेक कीजिए लग्नेश गोचर में जब भी कन्या राशि में आएगा या उसके त्रिकोण में आएगा, कन्या राशि या उसका त्रिकोण कौन सा बना, कन्या राशि और त्रिकोण, क्योंकि मैंने कहा था सेकंड त्रिकोण होता है 2 6 10, जिसमें वृष कन्या और मकर राशि होती है, तो कन्या राशि का त्रिकोण में वृष और मकर राशि हो गई। तो जब भी लग्नेश घूमता हुआ वृष राशि में, कन्या राशि में या मकर राशि में आएगा तो उस भाव की सिद्धि होगी, यानी उस भाव के रिजल्ट हमको मिलेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये सब चीजें हम निकाल सकते हैं कि इसमें कैसे इसको किया जाए या कैसे इसको ना किया जाए। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बृहस्पति का। बृहस्पति क्या करता है, देखिए बृहस्पति के हिसाब से क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी भाव के अगर हमें यह चेक करने हो कि इस भाव के शुभ फल हमें कब मिलेंगे, तो शुभ फल मिलने का समय जो होता है वो हमें कब मिलेंगे ये अगर हम देखना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप ये देखिए
सपोज कीजिए आप देखना चाहते हैं कि पांचवें भाव के सुफल हमें कब मिलेंगे, संतान भाव के सुफल हमें कब मिलेंगे, तो पांचवें भाव का जो स्वामी है, पांचवें भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है उस राशि को लग्न बना लीजिए। मान लिया पांचवें भाव का स्वामी कर्क राशि में बैठा हुआ, मान लिया पांचवें भाव का स्वामी कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो कर्क राशि का त्रिकोण क्या होता है, कर्क 4, 8, वृश्चिक 12 मीन, कर्क वृश्चिक मीन, ये त्रिकोण में राशि कही जाती है तीनों राशियां कर्क वृश्चिक मीन। तो बृहस्पति मैंने बताया कि सप्तमे पंचमेश जिसके हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं जिस राशि में बैठा है, मान लिया वो कर्क राशि में बैठा है उसको लग्न मान लीजिए, जब कर्क राशि में या उसके त्रिकोण में यानी वृश्चिक में मकर में वृश्चिक में और मीन में जब बृहस्पति आएगा तब उस भाव के रिजल्ट मिलेंगे, यानी संतान जो पांचों भाव का शुभ फल है वो आपको मिलेगा, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो चाहे वो संतान से संबंधित हो, आपको पांचवें भाव के शुभ फल मिलेंगे। तो ये बृहस्पति का जो गोचर है ये हम हर भाव पे लगा सकते हैं, कोई भी भाव हो उसके अंदर हम इसको लगा सकते हैं। अब जैसे आता है कि एक और इसमें प्रिंसिपल होता है कि जब लग्नेश और कार्येश, लग्नेश और कार्येश मतलब ये हुआ कि लग्नेश जैसे विवाह की बात चल रही है तो लग्नेश ले लीजिए, सप्तमेश ले लीजिए विवाह के लिए, तब लग्नेश और सप्तमेश एक साथ गोचर में मिलेंगे या एक साथ गोचर में आएंगे एक दूसरे को देखेंगे तब भी विवाह की बात होगी, विवाह मीन सातवें भाव से संबंधित बात होगी। सातवां भाव जिस बात को भी शो करता है, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप को शो करता है, चाहे डेली इनकम को शो करता है, चाहे विदेश जाने के लिए शो करता है, चाहे विवाह के लिए शो करता है, जो भी रिजल्ट आप सातवें भाव से लेना चाहते हैं, शुभ रिजल्ट आप देखना चाहते हैं कि वो शुभ रिजल्ट कब मिलेंगे, तो वो जब मिलेंगे जब आपका लग्नेश और वो भावेश दोनों गोचर में एक दूसरे को देखें या दोनों गोचर में एक दूसरे से युक्त हो जाए। तो ये मैंने कुछ नियम बताए आपको भाव सिद्धि काल में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़िए, फलदीपिका में पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इनके थ्रू ही आप लगा सकते हैं आइडिया। तो जब आप भाव सिद्धि काल से ये लगा लेंगे कि इस समय के आसपास घटना को घटना चाहिए, फिर आप देखेंगे चंद्र से गोचर कैसा है, चंद्रमा से आप चंद्रमा से गोचर देखिए, महादशानाथ का अंतरदशानाथ का चंद्रमा से गोचर देख लीजिए, अंतरदशानाथ के क्या क्या गोचर रहता है। तो चंद्र से गोचर अगर वो अच्छे भावों में जाए, देखिए जैसे आपको मालूम है कि मंगल का गोचर या शनि का गोचर चंद्रमा से तीसरे छठे ग्यारहवें भाव में अच्छा होता है, जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे छठे ग्यारहवें, सूर्य का गोचर जन्मकालीन चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 भाव में अच्छा होता है, बृहस्पति का गोचर जन्मकालीन चंद्रमा से 2, 5, 7, 9, 11 भावों में अच्छा होता है। तो ये गोचर आपको मालूम होना चाहिए किस भाव में गोचर अच्छा होता है। तो अगर मान लिया आपका बृहस्पति अंतरदशानाथ है और बृहस्पति का गोचर 2, 5, 7, 9, 11 भावों में हो रहा है किसी में, तो उसको हम मानेंगे कि वो अच्छा गोचर है जन्मकालीन चंद्रमा से, जन्मकालीन चंद्रमा को लगन बना लीजिए, जहां D1 चार्ट में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है उसको लगन बना लीजिए, उसको लगन बना के चेक करिए कि वहां से बृहस्पति का गोचर यानी जो अंतरदशानाथ है उसका गोचर कहाँ है। अगर वो शुभ भावों में है यानी 2, 5, 7, 9, 11 भावों में है तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और अगर वो अशुभ भावों में है यानी वो पहले भाव में गोचर कर रहा है या तीसरे भाव में गोचर कर रहा है तो रिजल्ट मतलब आपको मिलेगा तो सही लेकिन उससे आपको मन को शांति नहीं मिलेगी, वो एक छोटा सा हो सकता है कि आपको ले छोटी दिक्कत हो सकती है, तो वो प्रॉब्लम है जरा सी देखने के लिए, ये भी आप चेक करके रखें अपने साथ के कैसे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। तो भाव सिद्धि काल मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, इसके बाद की स्लाइड्स जो है वो कुछ हल्के प्रश्नों के लिए हैं तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे देखते हैं, तो उससे आपको बहुत छोटे छोटे आइडियाज हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अभी कि डेली प्रश्न का पेमेंट फंसा है आज मिलेगा क्या, डेली कोई प्रश्न पूछता है, मान लिया कोई आज जाने से पहले कोई पूछता है कि जी मेरा पेमेंट फंसा हुआ है आज मिलेगा क्या, तो उसको देखने के लिए देखनी चाहिए सूक्ष्म दशा,
कि आज की बात हो रही है, आज या कल की बात हो रही है, आप कह रहे हो कि मेरा पेमेंट फंसा हुआ है, मैं जा रहा हूँ, आज पेमेंट मिलेगा क्या, तो आपका रिजल्ट एक या एक आध दिन के अंदर बात हो रहा है, तो उसके अंदर आपको सूक्ष्म दशा के अंदर ही मालूम चल सकता है, क्योंकि सूक्ष्म दशा ही एक दिन की या डेढ़ दिन की या आधे दिन की होती है। अब सूक्ष्म दशा को कंफर्म करना ये कि ऑथेंटिक है या नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जन्म के समय में अगर 4-5 मिनट का समय भी थोड़ा टाइम भी गलत हो जाता है तो सूक्ष्म दशा चेंज हो जाती है। अंतर्दशा नाथ में इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने की रहती है, प्रत्यंतर दशानाथ में भी इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो भी कुछ दिनों की रहती है, लेकिन सूक्ष्म दशा चेंज हो जाती है। तो उसके लिए तरीका है कि क्या कर सकते हैं आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, आपके पास कोई जाता है तो पूछता है कि जी आज मेरी पेमेंट फंसी हुई है, आज मेरा पेमेंट मिलेगा क्या, तो उसमें क्या करें, ये देखिए कि पेमेंट देने वाला कौन है, सूर्य, क्योंकि गवर्नमेंट से काम है आपका। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और वहां आपकी पेमेंट फंसी हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया था, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम है आपका, तो दाता ग्रह कौन है आपका, दाता ग्रह तो आपका हुआ गुरु, क्योंकि धन किससे आएगा, वो तो गुरु से आएगा। आप कह रहे हैं कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट फंसी हुई है सरकारी डिपार्टमेंट में, मैं जाऊंगा तो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो दाता ग्रह कौन हुआ, पेमेंट देने वाला कौन होता है, धन देने वाला कौन होता है, दाता ग्रह हुआ गुरु। कर्ता ग्रह कौन हुआ, इसमें दो चीज निकालनी होती है, दाता ग्रह और कर्ता ग्रह। कर्ता ग्रह हुआ कौन, सूर्य। सूर्य इसलिए हुआ कि गवर्नमेंट ने काम करना है, बेसिकली गवर्नमेंट ने काम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हमारी पेमेंट फंसी हुई है, तो देने वाला सूर्य है, गवर्नमेंट का कर्ता हमारा सूर्य है, और धन हमें दाता ग्रह हमारा गुरु है। तो गुरु का और सूर्य का, इनका हम लोग गोचर देखेंगे कि कैसा गोचर इनका एक दूसरे के साथ आ रहा है। जब इन दोनों का गोचर एक दूसरे के साथ हम लोग देखेंगे, मतलब उसमें क्या होगा कि दाता ग्रह को हम लगन में रख देंगे और जन्मकालीन जो हमारा कर्ता ग्रह है, दाता ग्रह को हमने लगन में रखा और कर्ता ग्रह को हमने उसमें रखा। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल पीछे दिया, माफ कीजिए थोड़ा सा मैं शायद इसमें उल्टा कर गया, जैसे PWD में बिल पास कराने जाना है, आप ये एग्जांपल समझिए, तो दाता ग्रह मतलब बिल पैसे देने वाला कौन सा डिपार्टमेंट कौन है, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो वो हो गया सूर्य, और पैसे का जो कर्ता ग्रह जो होता है, पैसा जो होता है, वो आता है गुरु के अंडर में। तो हमने दो चीज देख ली कि दाता ग्रह सूर्य है, कर्ता ग्रह गुरु है। अब दाता ग्रह को मूल में रखो, मतलब दाता ग्रह को बिल्कुल कॉन्स्टेंट कर लो, आपके दाता ग्रह आपका D1 कुंडली में जहां है, जिस राशि में है, उसको वहां मान लीजिए, और उसके बाद जो गुरु का गोचर चेक करिए, क्योंकि गुरु हमारा कर्ता ग्रह है, उसका गोचर देखिए गुरु के भिन्नाष्टक मत में, कि वो सूर्य से किस जिस राशि में गोचर कर रहा है गुरु, वहां पर पॉइंट मिला है या नहीं मिला है। नहीं समझे, देखिए दाता ग्रह आपने फिक्स कर लिया कि आपने PWD में बिल पास कराने जाना है, तो दाता ग्रह आपका हो गया सूर्य, और धन की बात चल रही है तो कर्ता ग्रह आपका हो गया गुरु। तो अब दाता ग्रह को आपने क्या करना है, कर्ता ग्रह गुरु है तो गुरु का अष्टक वर्ग देखिए, गुरु का अष्टक वर्ग देखें आप, और गुरु के अष्टक वर्ग में ये देखें कि सूर्य से गुरु का गोचर जिस राशि में हो रहा है, जिस राशि में हो रहा है, उस राशि में मार्क्स है या नहीं है। अगर नंबर मिला हुआ है तो उस केस में आपका काम हो जाएगा, आपका बिल पास हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है कि कैसे हम लोग उसको छोटे छोटे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो अब इसका बहुत छोटा सा मतलब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे दाता ग्रह है, दाता ग्रह कौन होता है, उस जैसे नरेंद्र मोदी हैं, उनको आप दाता ग्रह मान लीजिए, वो देने वाले हैं। कर्ता ग्रह कौन है, वो अमित शाह जी है, उनको मान लीजिए वो करने वाले हैं। तो ये दाता ग्रह और कर्ता ग्रह को आप थोड़ा समझ के रखिए कि क्या चीजें होती हैं। अब जैसे ऊपर लिखा हुआ है कोर्ट में डेट है, हियरिंग होगी क्या, कोई प्रश्न पूछता है कि आज कोर्ट में डेट है, हियरिंग होगी क्या, तो दाता ग्रह कौन है, क्योंकि कोर्ट है, कोर्ट में डेट है तो गवर्नमेंट है, तो सूर्य हो गया। और हियरिंग कौन करता है, मुकदमेबाजी कौन करता है, वो बुध और शनि करते हैं, तो कर्ता ग्रह बुध और शनि हुआ। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब आप लोगों को करना क्या है, जब आप ये समझ गए तो हमें
मान लिया कि कर्ता ग्रह हमारा बुध है या हियरिंग के लिए, या कर्ता ग्रह हम शनि ले रहे हैं, तो जनकालीन शनि को लग्न बनाकर चंद्रमा का गोचर देखेंगे। यदि उत्तम स्थानों में हो तो वो अच्छा होगा, 3-8 में नहीं होना चाहिए। चंद्रमा का गोचर उत्तम स्थानों में हो, 3-8 स्थान के अलावा कहीं भी हो, तो समझिए कि आपकी कोर्ट में आज हियरिंग होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दाता ग्रह और कर्ता ग्रह इनको आप समझ के रखिए, कि दाता ग्रह आपका जो होता है जिससे काम है, कर्ता ग्रह जो आपका काम करने वाला है, उन दोनों को गोचर में देखना है कि अगर वो दोनों गोचर में एक दूसरे को देखते हैं या एक दूसरे से सामंजस्य करते हैं तो काम होने की उम्मीद होती है। उसके बाद कर्ता ग्रह जो हमारा होता है उससे हम उसको, कर्ता ग्रह को हम लग्न बनाकर, जो जन्मकालीन कर्ता ग्रह शायद अगर हमारा शनि है या कर्ता ग्रह हमारा बुध है, तो जन्म कोई कुंडली में जहां पर वो बुध बैठा हुआ है या शनिजा बैठा हुआ है, उसको लग्न बनाकर चंद्रमा का गोचर देखते हैं कि चंद्रमा आज कहाँ गोचर कर रहा है। अगर चंद्रमा 3-6-8-12 भावों में गोचर नहीं कर रहा है वहां से, तो काम बन जाएगा। तो सबसे पहले देखें दाता ग्रह, फिर देखें कर्ता ग्रह, दोनों का गोचर देखें, और उसके बाद कर्ता ग्रह का गोचर देखें चंद्रमा के सापेक्ष, जन्मकालीन चंद्रमा के सापेक्ष देखें, यानी कर्ता ग्रह जो आपका आता है उसको जन्म कुंडली में जिस राशि में है उसे वहां लग्न बना लीजिए, और फिर वहां से चेक कीजिए कि चंद्रमा का गोचर आजकल कहाँ चल रहा है। तो जब भी 3-6-8-12 भाव में नहीं होना चाहिए, बाकी भाव में हो तो आपका काम हो जाएगा। और अगर 3-6-8-12 भाव में चंद्रमा का गोचर हुआ तो उस केस में आपकी कोर्ट में डेट तो है आपकी, लेकिन हियरिंग नहीं होगी, मतलब आपकी डेट आगे डेट आपको मिल जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आगे मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा के ट्रांजिट के बारे में टाइमली। तो यहाँ तक ही रखते हैं इसको आज, थोड़ा नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, तो अगर समझे हैं तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट गोचर का सब्जेक्ट है, जिसको ध्यान देना बड़ा जरूरी है, इसलिए इसका ध्यान रखिए।